मात्र एक कमी दिखाई देती, वो भी सारा नहीं, कुछ परसेंट, 1-2% युवा नशे की ओर जा रहा है। इसलिए उस युवा को रोकना होगा, उस युवा को प्रेरणा देनी होगी, मेरे युवा साथी तेरा ऐसा काम करने से मेरे समाज की छवि खराब हो रही है, मेरे धर्म की छवि खराब हो रही है, मेरे वीर बहादुर तो लौटा वापसी, उनको याद कर जो धर्म के लिए 363 शहीद हो गए, उनको याद कर जो जीवों के लिए बलिदान हो गए, उन्होंने अपने अपने धर्म का नाम ऊंचा करने के लिए अपने प्राणों को तिनके के समान समझा और अपने धर्म को पर्वत के समान समझा, धर्म का मान रखा। मेरे युवा साथी उधर मत जा, लौटा, उस नशे में कुछ नहीं है सिवाय रोने के अलावा, अपनों से दूर जाने के अलावा, समाज में निंदा का पात्र बनने के अलावा और कुछ नशे में नहीं है मेरे भाई बहन। कुछ दिनों में फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, शरीर पीलापन पीलिया हो जाता है और 6 महीने में बिस्तर पर लगकर अपने जीवन से हाथ धोकर बैठ जाता है। ऐसे खतरनाक नशे अब दुनिया में परोसे जा रहे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना, सावधान युवाओं को रखना, अपने बच्चों को रखना आपका भी हमारा भी परम कर्तव्य बनता है, हमारा भी धर्म है, हम भी इस प्रचार प्रसार को समूची मानवता की ओर लेके जाएं। तो ये है विचारों का संयम, एक है इंद्रियों का संयम और एक है धन कमाना और धन खर्च करने में संयम। जो धन संयम से कमाता है वो संयम से खर्च करे तो वो हमेशा दीर्घ काल तक धनी बना रहता है।